Hi guys, hi everyone. Subscribe किया ना, bell button नहीं भूलना, ताकि new videos की अपडेट आप तक पहुंचते रहे. Dear students, today we have to see new exercise 7.3 of our continuing chapter coordinate geometry. Before start exercise, I would like to explain some introduction part of this exercise. Dear students, प्यारे बच्चों, पहले हम जानते हैं कि कोई भी ट्राइंगल दिया है, उस ट्राइंगल का एरिया निकालना है, तो हम लोग क्या करते हैं? तो हम लोग डायरेक्टली 1/2 बेस इनटू हाइट फॉर्मूला लगा के एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करते हैं. लेकिन जब कोऑर्डिनेट्स दिया है तीन वर्टेक्स का, तीन पॉइंट्स का, तो किस तरह हम उनका एरिया निकाल सकते हैं, वो इस एक्सरसाइज के अंदर हमें पढ़ना है बच्चों. जैसे कि कोई भी एक ट्राइंगल दिया है, एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया है आपको, उस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर आपको यहाँ पे ए बी एंड सी गिवन, तो हम क्या करते थे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू क्या करते थे, 1/2 बेस इनटू हाइट करते थे बच्चों. बेस इन टू हाइट, ये हमें पता है, ये जैसे कि कोई भी ट्राइंगल का एरिया निकाला तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस इन टू हाइट. और इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो भी हम √3/4 इन टू साइड, अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया है तो हम ये निकाल देते, तीनों साइड इक्वल होती है तो उसका एरिया निकालना है, उसके लिए फॉर्मूला जो है √3/4 इन टू साइड स्क्वायर, कोई भी साइड है उसका स्क्वायर करके, ये फॉर्मूला है. जो अगर साइड का हमें मेजरमेंट दिया है तो हम ये फॉर्मूला लगा देते हैं, और ये फॉर्मूला तो वेल नोन फॉर्मूला. अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो यहाँ पे तीन साइड से ए बी एंड सी, और यहाँ पे बेस और ये हाइट करके हम उसका एरिया निकाल देते हैं. लेकिन बच्चों, इस चैप्टर के अंदर हमें इस फॉर्मूला का यूज नहीं करना है, इस एक्सरसाइज के अंदर हमें न्यू फॉर्मूला लर्न करना है, पढ़ाई करना है कि जो कोऑर्डिनेट्स के बेस के ऊपर है, तो देखते हैं वो फॉर्मूला क्या है और वो फॉर्मूला को किस तरह हम आगे एक्सरसाइज में यूज करते हैं, वो बाद में पढ़ेंगे. लेकिन इंट्रोडक्शन पार्ट में हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल. जैसे कि बच्चों आपको पता है कि ये ट्राइंगल दिया है, ये ट्राइंगल इट इज गिवन, दिस इज द ट्राइंगल A, B, and C. Here vertices is given. It's a vertices A, B, and C, and here coordinates are given x1, y1, x2, and y2. And here x3, y3. प्यारे बच्चों, यहाँ पे three points A, B, and C. उसके vertices और its coordinates are given x1, y1, x2, y2, and x3, y3. तो इस ट्राइंगल का एरिया हम कैसे निकालना है वो मैं आपको फॉर्मूला समझाने के लिए जा रहा हूं. तो डायरेक्टली जस्ट आई एम एक्सप्लेनिंग फॉर्मूला, यू विल एबल टू रिमेंबर, जस्ट आई एम गिविंग द सिंपल ट्रिक टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबरिंग. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी यहां पे लिखेंगे बच्चों, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू 1/2 तो लिख रहे हैं ये, और ये मॉडुलस यूज करना है. मॉडुलस का मतलब होता है -2 विल बिकम द +2. Why? क्योंकि कभी भी एरिया अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव होता नहीं है बच्चों, तो माइनस मॉडुलस से बाहर कोई भी वैल्यू निकलेगी देन इट विल बिकम द पॉजिटिव. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, एंड दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज द मॉडुलस. कभी भी एरिया, कभी लेंथ, ये कभी नेगेटिव नहीं होता बच्चों, वो हमेशा पॉजिटिव होता है. इसलिए मॉडुलस जब निकालेंगे देन वैल्यू विल कम, इफ द नेगेटिविटी इज देयर देन इट विल बिकम द पॉजिटिव. तो यहां पे मॉडुलस के अंदर लिखना है बच्चों, पहले तो आपको लिख देना x1 फिर ब्रैकेट प्लस x2 बाद में ब्रैकेट एंड देन x3 ब्रैकेट एंड मॉडुलस कम ब्रैकेट. इतना तो कर सकते हैं कि नहीं, याद रह गया कि नहीं? 1/2 मॉडुलस मींस व्हाट? मॉडुलस से कंफ्यूज नहीं होना है, वैल्यूज विल बिकम पॉजिटिव ऑनली जब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन के अंदर, आपको पता चल जाएगा. पहले x1 x2 ने x3 लिख देना, फिर प्लस बस, समझ में आ गया क्या? अभी यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर x1 है तो यहाँ से y2 माइनस y3 करना है. हेलो, यहाँ पे x2 है तो यहाँ पे y3 माइनस y1 करना है, और x3 है तो यहाँ पे y1 माइनस y2 करना है. आई होप यू अंडरस्टूड. हेलो, पहले x1 प्लस x2 प्लस x3, याद रह गया बच्चों? यस, ब्रैकेट के अंदर
यहाँ x1 है यहाँ पे y2 माइनस y3 करना है, या x2 है तो y3 माइनस y1 करना है, और x3 है तो y1 माइनस y2 करना है। बस इतना ही ये फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला आपको इस एक्सरसाइज 7.3 पे आपको सारे क्वेश्चन के अंदर यूज करना है। समझ में आ गया, याद रह गया? आई होप जस्ट यू रिमेंबर द फॉर्मूला। एरिया ऑफ द ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू 1 बाय 2 इनटू द मॉडुलस x ऑफ y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। बस यही फॉर्मूला को यूज करके चलो देखते एक्सरसाइज 7.3। नाउ स्टूडेंट्स वी हैव टू सी क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल व्हिच वर्टेक्स आर गिवन 2 3 माइनस 1 0 2 and माइनस 4। So, when I will solve first question, you will avoid to solve all other questions. So, dear students, यहाँ पे हमें area of the triangle find out करना है, जिनका vertices 3 हमारे पास है। तो देखते हैं solution. Solution here we have. Three vertices, A, 2, 3, B, minus 1, 0, and C, 2, minus 4. So here, then I have to draw the triangle. Here, let's say I'm writing A, B and C. A, B and C. A is 2 and 3, minus 1, 0, and 2, minus 4. So according to our formula, what our formula is that area of triangle ABC is equal to just I told 1 by 2 up here into modulus x1 bracket plus x2 bracket plus x3 bracket modulus complete bracket के अंदर मैंने कहा x1 यहां पर है y2 minus y1, x2 है तो y3 minus y1 and x3 है तो y1 minus y2। ये हमारा फॉर्मूला है, जस्ट यू हैव टू रिमेंबर सिंपल थिंग। x1 x2 x3, x1 है तो y2 minus y3, x2 है तो y3 minus y1 and x3 है तो y1 minus y2। नो मेमोरी का नो मींस कोई मर्क करना, सिर्फ ट्रिक याद रखना बच्चा। ओके, आई होप यू आर रिमेंबरिंग इट। ओके, नाउ सी 1 by 2 बोलो x1 क्या है हमारे लिए स्टूडेंट्स। यहाँ पे ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है और ये y3 है बच्चा। तो कोई बात नहीं, x1 हमारे पास 2 है इनटू द मॉडुलस 2, y2 माइनस y3, y2 यहाँ पे 0 है और y3 यहाँ पे माइनस 4 है, और ये देखिए फॉर्मूला का माइनस और ये माइनस, क्या बन जाएगा प्लस। बच्चों फिर से y1 y2 क्या है 0 है, लेकिन y3 है वो माइनस 4 है, फॉर्मूला का माइनस तो वो माइनस, माइनस इनटू माइनस इट विल बिकम प्लस, प्लस x2 तो x2 हमारे पास है बच्चों माइनस 1 इनटू ब्रैकेट y3 माइनस y1, y3 हमारे पास माइनस 4 है और y1 हमारे पास 3 है, y1 फॉर्मूला का माइनस एंड 3, तब x3 x3 we have here 2, y1 minus y2, y1 is 3 and y1 minus y2, y2 is a 0, so minus 0. I hope you are understanding well. Now 1 by 2 into the modulus 2 as it is equal to 0 plus 4, 4 minus 1 as it is equal to bracket पहले complete कर देते, minus 4 minus 0 minus 7, minus 4 minus 3 minus 7 प्लस 2 है दैट इज 3 माइनस 0 मतलब 3, मॉडुलस कंप्लीट। नाउ 1 बाय 2 2 4 टू द 8 माइनस इनटू माइनस प्लस 7 1 जा 7
एन थ्री टू दिक्स। बच्चों देखिए अभी भी यहां पे 8 प्लस 7 प्लस 6, सो 6 प्लस 6 प्लस 6, 6 12, 8 प्लस 7 कितना हो जाएगा 7, 7 14, 15, 15 प्लस 6 दैट इज द 21। फिर से एक बार कैलकुलेशन देख लेते, 7 प्लस 7 14 प्लस 1 15, 15 प्लस 6 दैट इज द 21। सो फाइनल आंसर इज दैट 21 upon 2 square meter. Hello students, and question number 2 we are going to solve. Here some different question is given in the textbook. In each of the following, find the area of K for which the points are collinear. Students, here two options are given to solve, but I am solving here one and you will be able to solve the other options. Here three points are given the collinear. Collinear ka matlab hota hai bachcho ki tino points ek hi line ke andar aaye hain. मीन्स दिए है तो थ्री पॉइंट्स अगर एक ही लाइन के अंदर दिए हुए होते तो क्या ट्राइंगल बन पाता? नो, ट्राइंगल नहीं बन पाता। ट्राइंगल बनने के लिए एक पॉइंट्स नॉन कोलिनियर होना चाहिए, भले दो पॉइंट कोई भी एक ही लाइन के अंदर हो लेकिन तीसरा पॉइंट हमेशा लाइन के बाहर दिया होना चाहिए। सो मीन्स हियर थ्री पॉइंट्स इफ नॉन कोलिनियर है देन इट कैन बी पॉसिबल टू फॉर्म द ट्राइंगल, लेकिन यहाँ पे ट्राइंगल नहीं बन पाएगा। Collinear, so area of triangle should be 0. Here three points are collinear, so area of the triangle should be the 0. And we can write here we have points, here we have A, बताइए कितना है 7 माइनस 2, बी 5 1 एंड सी 3 एंड के, दैट इज हियर 7 इज द एक्स 1 वाई 1 एक्स 2 वाई 2 एक्स 3 एंड वाई 3। बच्चों अभी देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला, जस्ट बी नो नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1/2 इंटू मॉडुलस एक्स 1 ब्रैकेट एक्स 2 ब्रैकेट एंड एक्स 3 ब्रैकेट मॉडुलस कंप्लीट इज इक्वल टू 0। अभी आपको जरा कंप्लीट करना है, ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे बच्चों आपको पता है, एक्स 1 है वाई 2 माइनस वाई 3, एक्स 2 है वाई 3 माइनस वाई 1 एंड एक्स 3 है जीरो। बच्चों यहाँ पे मल्टीप्लाई फॉर्म में 1/2 है, सो जो 2 है इधर वो 2 डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 × 0 इट शुड बी द 0। तो ये हमें लिखने की अभी आगे जरूरत नहीं है, अभी ये मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, तो हो जाएगा 7 × 1 7 माइनस के मतलब माइनस 7 के एंड 5 × k प्लस 5 के एंड 5 × 10 एंड 3 × या −2 −1 मतलब −3, हेलो −2 −1 −3 −3 × 3 दैट इज द −9 इज इक्वल टू मॉडुलस एंड 0। अभी आगे और भी सॉल्व कर देते हैं हम।
तो 7 मोड का सम निकाल देंगे तो भी चलेगा, नो नीड टू राइट डाउन हियर। 7 माइनस 7 के प्लस 5 के, 10 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा 1, 1 प्लस 7 तो क्या हो जाएगा 8, एंड हियर 7 माइनस 7 के प्लस 5 के तो हो जाएगा माइनस 2 के इज इक्वल टू 0। कोई बात नहीं, अच्छा 0 है, नो नीड टू कंटिन्यू। मॉडुलस हियर 8 के माइनस 2 के तो ये 8 उससे चला जाएगा तो माइनस 2 के इज इक्वल टू माइनस 8 हो जाएगा। बच्चों दोनों साइड माइनस है तो हम कैंसिल कर सकते हैं, एंड देयरफॉर k इज इक्वल टू 8 अपॉन 2 एंड वैल्यू ऑफ k शुड बी द 4 हियर। बच्चों k की वैल्यू मिल जाएगा हमें 4। तो इसी तरह आपको बच्चों सॉल्व करना है और इसी मेथड, इसी फॉर्मूला, इसी स्टेप बाय स्टेप को फॉलो करके आपको सॉल्यूशन निकालना है। बच्चों आई होप यू अंडरस्टूड स्टूडेंट्स, थैंक यू।